के बाद बढ़ते हैं आगे। व्यापारिक मंदी का सामना कर रहे छोटे बड़े कारोबारियों के लिए ये नवरात्र खुशियों के स्थान पर गम ज्यादा दे गया। नवरात्र पर ग्राहकी की उम्मीद में खरीद कर सजाया गया माल शहर के बाजारों की दुकानों पर शोरूम में यथावत पड़ा रहा और ग्राहक डिस्काउंट के फेर में ऑनलाइन खरीद कर बैठे। क्या रहा इस नवरात्र पर बाजार का हाल, देखिए खास रिपोर्ट। अच्छे मॉनसून के कारण इस नवरात्र पर व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन ऑनलाइन साइट्स ने पारंपरिक कारोबार को जोरदार झटका दिया। बाजार में कुछ ऐसे भी कारोबार हैं जहां ऑनलाइन खरीद का अधिक असर भी नहीं है, लेकिन वहां भी कमजोर ग्राहकी दिखाई दी। नवरात्र पर खरीद की उम्मीद में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों ने अनेक नई खूबियों के उत्पाद भी बाजार में उतारे, नए फीचर भी जोड़े, कीमतों में कमी की, खरीदारों के लिए वित्तीय सुविधाएं तक उपलब्ध कराई। लेकिन इसके बावजूद बाजार में खरीद करने के लिए ग्राहक आए ही नहीं। जयपुर के बाजारों की बात करें, मोबाइल फोन की बिक्री में करीब 30% और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बिक्री में 70% तक की गिरावट नवरात्र पर नजर आई। मुझे लगता है कि 15 से 20% कम से कम इतना तो कम रह रहा है, जबकि हम लोग सोच रहे थे कि पिछले साल से 20% बढ़ेगा और उसके मुकाबले 20% कम हुआ है, तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है स्थिति को देखते हुए। देखिए, हमेशा हर साल हम यही सोचते हैं कि नवरात्रि स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लिए या बाकी पूरे बाज़ार के लिए जो है नवरात्रि बहुत अच्छी रहेगी, और पूरे साल का 40% मार्केट का जो धंधा होता है वो इस दिवाली वाले पूरे सीज़न में होता है। लेकिन अगर इस साल की हम बात करते हैं तो लगभग 30% ही ग्राहकी हो पाई है, क्योंकि बाज़ार के अंदर कंज्यूमर ही नहीं है। नवरात्र पर जरूरत की वस्तुओं से अधिक बाजार लग्जरी आइटमों का खराब रहा। ज्वेलरी कारोबार की बात करें तो इस साल सोने और चांदी के भावों में आई तेजी के कारण जयपुर के अधिकतर ज्वेलर्स के शोरूम्स पर 9 दिनों में अधिकांश समय सन्नाटा ही पसरा रहा। ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट शोरूम संचालकों का तो यहाँ तक कहना है कि अधिक मूल्य के रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों की बिक्री तो आकर्षक स्कीमों के बावजूद गति नहीं पकड़ सकी। जो भावों के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इससे ग्राहक भ्रमित है और डर रहा, वो ऐसा समझ लो या कुछ भी समझ लो कि बहुत ज़्यादा एक साथ भाव बढ़ गए और रोज के अंदर भाव 300-400 रुपये ऊपर नीचे का फ्लक्चुएशन आने लग गया है। तो एक बार ये स्टेबल हो जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जहाँ भी स्टेबल हो जाए तो ग्राहकों को भी पता लग जाए कि अब लेने लगे। कि नवरात्रा स्टार्ट होते ही व्यापार चालू हो जाता था। जहाँ तक टेक्सटाइल्स और रेडीमेड्स की बात है, उम्मीदों के हिसाब से पूरा स्टॉक और नया स्टॉक के साथ व्यापारी बैठा हुआ था, लेकिन उम्मीदें पर जिस तरह की ग्राहकी होनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर दशहरा निकल गया और ग्राहकी नहीं हो पाई। जयपुर के प्रमुख कारोबारी मानते हैं कि नवरात्र में बाजार में आई गिरावट का कारण मंदी से ज्यादा ऑनलाइन कारोबार करने वाली साइट्स की करतूत है। बहरहाल कारोबारी अब मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऑनलाइन साइट्स की ओर से दिए जाने वाले भारी भरकम डिस्काउंट की पोल खुलेगी और ऑनलाइन के नाम पर ग्राहकों से होने वाली चीटिंग से ग्राहक खुद भी सबक लेंगे। व्यापारिक मंदी और शिथिलता का सामना कर रहे कारोबारियों के लिए ये नवरात्र कोई खास अच्छा संदेश लेकर नहीं आया है। जो सूचनाएं मिली है उसके हिसाब से कुछ कारोबार तो ऐसे भी हैं जहां 70% तक पिछले साल की तुलना में व्यापार में कमी रही। हालांकि अब नवरात्र के बाद दीपावली सीजन की शुरुआत हो चुकी है और दीपावली को लेकर भी उम्मीदें काफ़ी हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में आखिर कितनी बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं और वो ग्राहक कितनी खरीदारी करते हैं। कैमरामैन इकबाल के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।